दार्जिलिंग से गैंगटॉक आने में हमें 6 घंटे लग गए, तो अगला दिन हमें पूरा ही इंजॉय करना था, इसलिए हम सुबह 6 बजे ही निकल पड़े। सनराइज देखने हम जा रहे थे ताशी व्यू पॉइंट और रास्ते में हमें मिला ये सुंदर सा वॉटरफॉल जिसका नाम है बातोंग। अब चल रहे हैं अपन कहाँ पे? ताशी व्यू पॉइंट। कंचनजंगा, जब इसके बारे में स्कूल में पढ़ा करते थे तो लगता था कि पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, और आज ये आंखों के सामने ये नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है। और स्कूल की वो SSC की क्लासेस याद आ रही है, K2 कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दिस इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल। दार्जिलिंग की तरह ही गैंगटॉक आकर हमने यहाँ का ट्रेडिशनल अटायर ट्राई किया। ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ताशी व्यू पॉइंट में आके आपको वो देख रहे हैं सामने दीदी, वो आपको रेडी कर देंगी। और इसको रेडी करने का चार्ज वो सिर्फ 50 रुपीज़ लेते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रेडी किया है। हंजू बग्गू, हाँ जू और बग्गू कहा जाता है। दीदी इज एक्सट्रीमली स्वीट, हम लोग का हर एंगल से फोटो ले रही हैं और एंगल बता बता कर फोटो ले रही हैं। इतने प्यार से उन्होंने हमको ये ड्रेस पहनाया और अब इतने ही प्यार से वो हमारा फोटो खींच रही है हर एंगल से, देखिए शी इज सो स्वीट। हमने कवर कर लिया है और हम यहाँ सुबह 5:30 बजे से हम उठे थे और 5:30 बजे होटल से निकले थे। और हम इसलिए यहाँ जल्दी आए थे क्योंकि ये ताशी व्यू पॉइंट से जो सुबह का नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा होता है। सनराइज होता है, धूप आती है, थोड़ी हल्की हल्की धूप आती है और ठंड होती है, तो इसलिए और हमको बहुत जल्दी अब सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो अब हम होटल जा रहे हैं, रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा करवा चौथ का व्रत है, साहब करेंगे जिनके लिए मैंने व्रत रखा है। चलते हैं रेडी होने के बाद नए पॉइंट पे। This is our hotel and this is the view. Superb. अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने और नीचे हमारी कैब वेट कर रही हो, फिर हम चले जाएंगे गैंगटॉक एक्सप्लोर करने। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं इनको देख रही हूँ। क्यों व्हाट दिखा दिखा के मत खाओ। स
सिक्किम की शांति का सीक्रेट अगर जानना हो तो यू मस्ट विजिट हियर्स मॉनेस्ट्री। वॉट अ ट्रैंक्विल प्लेस टू रिफ्रेश योर माइंड एंड सोल। हाय किटी। जब लाइफ में आप बहुत नीचे होते हैं तो सब कुछ बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, और जैसे जैसे आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ ऊपर आते हो तो सब कुछ एकदम साफ दिखाई देता है। ये सफर भी कुछ ऐसा ही है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ का फेमस हनुमान मंदिर। थोड़ा पहले मंदिर होके आते हैं। पवित्रता, शांति और आकर्षक नजारों के बीच बना ये मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी दूनागिरी जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाया गया। आप जब भी यहाँ आए तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर आए, क्योंकि यहाँ से जाने का आपका दिल ही नहीं करेगा। हनुमान जी का मंदिर हमेशा हाइट पे ही रहता है, पता है? काफी ऊंचाइयों पे तो कानों में प्रेशर फील हो रहा है। अरे रुको, जरा सबर करो, गैंगटॉक की पिक्चर अभी बाकी है जो दिखाएंगे अगले व्लॉग में। ये देखे साहब, फोटोग्राफी के चक्कर में अपने सॉक्स भूल आए थे जो वापस लेने गए।